सकती है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो टोटल 2500 बेड की यहाँ पे सुविधाएं होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि पितृपक्ष 2024 जो महामेला का जो आयोजन किया जा रहा है गया जी में, और ऐसे भी हमेशा मतलब हर साल यहाँ पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है, और देशी नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आकर के गया जी में पिंड तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों के प्रति। तो आपको बता दें कि अगर गया जी में आप आते हैं पिंड तर्पण करने के लिए, और अगर आप आकर के निःशुल्क ठहरना चाहते हैं, तो गया का जो गांधी मैदान है वहाँ पे निःशुल्क ठहरने की यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होगा, तो आपको आज यही अपडेट देने वाले हैं कि किस तरह से आप आकर के यहाँ पे ठहर सकते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे ठहरने की मतलब यहाँ पे व्यवस्थाएं होगी। तो मेरी वीडियो में कंटिन्यू बना रही है और सारी अपडेट को आप बारीकी से जानिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गांधी मैदान में बहुत बड़ी बड़ी आपको पंडाल जो यहाँ पे लगी हुई दिखाई दे रही होगी। आपको बता दी कि ये जो पितृपक्ष 2024 जो यहाँ पे मेला जो यहाँ पे आ रहा है, जिसमें लोग पिंड तर्पण करने के लिए अपने पूर्वजों के प्रति लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसी को यहाँ पे मतलब उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत बड़े बड़ा यहाँ पे टेंट लगाया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पे आकर के निःशुल्क ठहर पाएंगे। और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे ठहरने की होगी, लाइट से लेकर के पंखा वगैरह जितना भी पानी उन्हें बाथरूम बाथरूम सब चीज़ का यहाँ पे व्यवस्था होगा। और इसका लोकेशन की बात करें तो गया का जो गांधी मैदान है यहाँ पे इसको व्यवस्था किया गया है। आप रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 1.5 किलोमीटर के मतलब नज़दीक में ही यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो पहले आप आकर के यहाँ पे ठहर सकते हैं। अगर बस पड़ाव की बात करें तो बस ये सब भी रुकाने की यहाँ पे व्यवस्थाएँ रहती है, जैसे कि आप देख रहे हो कभी यहाँ पे तैयार हो रहा है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो जापानी यहाँ पे पंडाल है वो भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पंडाल का जो कारीगर है इसको जोरों शोरों से बनाने में यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि पितृपक्ष की अब शेष समय ही यहाँ पे रह गए हैं। 17 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो पिंड यात्री 17 तारीख से यहाँ पे आने लगेंगे। और जब जितना बड़ी जो दिख रहे हैं पंडाल, इस समय बेड का व्यवस्थाएं की गई है, अंदर में सब कारपेट सभी यहाँ पे लगाया गया है, कूलर पंख फैन लाइट सब चीज़ का व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और भी देख सकते हैं, एक ही पंडाल नहीं यहाँ पे है, लगभग यहाँ पे 7 से 8 पंडाल है। अब देख सकते हैं कि एक यहाँ पे और एक साइड में आपको दिख रहा होगा, और 4 इस तरफ हैं, और भी मतलब इस तरफ भी पंडाल यहाँ पे लगाई गई हैं, और स्टॉलें भी यहाँ पे रहेगी। तो आप यहाँ पे जैसे प्रशासन की जो यहाँ पे टीम भी रहेगी, तो आपको किसी प्रकार से मतलब ये नहीं सोचिए कि यहाँ पे अगर आते हैं तो मतलब हमारा जैसे सामान वामान है वो सबको यहाँ पे रखने की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, यहाँ पे लैगेज का भी व्यवस्थाएं रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं सामान सब ले करके, तो आपको यहाँ पे लॉकर दिया जाएगा जिसमें आप रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना मजबूती के साथ यहाँ पे पंडाल बनाई जा रही है, ताकि बरसात का भी टाइम है और बारिश इससे भी होने की संभावनाएं रहती है। तो वाटर प्रूफ जितना भी पंडाल दिख रहे हैं सब वाटर प्रूफ यहाँ पे पंडाल बनाई जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे एम्बुलेंस बोलिए या फिर मेडिकल किट की भी यहाँ पे व्यवस्थाएं रहती है, ताकि पिंड यात्री को किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं यहाँ पे हो। और आपको प्रशासन की जो टीमें यहाँ पे है हमेशा अलर्ट आपको 24 घंटा ही दिख जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे पितृपक्ष में अगर पिंड तर्पण करने के लिए गया जी आ रहे हैं या आने के लिए सोच रहे हैं, तो आप आ करके यहाँ पे और मतलब यहाँ पे ठहर सकते हैं। अगर आपको ठहरने में अगर यहाँ पे किसी प्रकार से कठिनाइयाँ होती है, तो प्रशासन के टोल फ्री नंबर भी है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। उसका जो नंबर प्रशासन के टोल फ्री है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फाइनली दोस्तों, जो गया का गांधी मैदान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे पिंड यात्री जो भी आएंगे उस सबके लिए, तो आपको बता दें कि यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पे हर एक तरह की आपको सुविधाएं मिलेगी। जैसे यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको जैसे ठहरने की व्यवस्थाएं, बेड का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और आपको बता दें पंखा कूलर या फिर जो भी पानी उनी की वगैरह की भी बाथरूम सभी भी सुविधाएं की जाएगी, ताकि जो भी लोग यहाँ पे पिंड यात्री यहाँ पे आएंगे पिंड तर्पण करने के लिए आएंगे,
उनको कोई भी परेशानियां नहीं हो यहाँ पे, मतलब जैसे जो भी बहुत सारे लोग आते हैं कि सब होटल में भी ठहर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास ऐसा व्यवस्था नहीं रहता है होटल में ठहरने की, तो आकर के गया का गांधी मैदान में वो निःशुल्क जो यहाँ पे टेंट, यहाँ पे बड़ी बड़ी पंडाल लगाई जा रही है जो सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। और आपको बता दें कि मतलब ये निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और टोटल 2500 बेड की यहाँ पे सुविधाएं होंगी। तो आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे फील्ड यात्री यहाँ पे आएंगे तो सबको काफी सुविधाएं यहाँ पे होगी, क्योंकि जैसे ऐसी सुविधाएं सरकार के द्वारा यहाँ पे जो की गई है ताकि ये सुविधाएं सभी को यहाँ पे मिल पाए। और इसमें जो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगी, इसमें सारा सुविधाएं से लेस रहेगी, इसमें प्रशासन की टीमें भी रहेंगी, इसमें आपको बता दें कि मेडिकल की भी यहाँ पे स्टॉल रहेगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर बुखार या फिर कुछ पेन वगैरह भी होती है तो उसको भी यहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अंदर हमने गया और जो यहाँ पे पंडाल लगी हुई है उसमें सारी व्यवस्थाओं को देखा, व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ प्राइवेसी के कारण हम आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये अपडेट आप सबको बेहद ही पसंद पड़ा होगा। अगर ये अपडेट पसंद पड़ा होगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और गया जी आएंगे आप और यहाँ पे आप सेवा कर लेंगे, तो अगर आपको सेवा यहाँ पे अच्छा लगेगा तो जरूर मेरे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आप यहाँ पे आए तो कैसा मतलब यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिला और कैसा आपको यहाँ पे सेवा लगा, गया जी में आकर के आपको कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।